फ्रेंड्स, मैं हूं बिंदु भाटिया। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है योगा। योगा क्या है? योगा मींस यूनियन, जुड़ना, यूनिटी, बांधना। योगा एक साइंटिफिक टेक्निक है जो आपकी लाइफ को हेल्दी बॉडी और पीसफुल माइंड के रास्ते पे ले जाती है। योगा हमारी बॉडी, हमारी माइंड और सोल सबको आपस में बांधता है, यूनाइट करता है और उनके बीच में एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम डेवलप करना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ हीलिंग, पर्सनल पावर, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, फिजिकल एंड मेंटल लेवल सब प्रमोट होना शुरू हो जाते हैं। हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है और जो हमारी इम्यून पावर है वो इंक्रीज़ होती है। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, हमारी बॉडी टोन इंक्रीज़ होती है और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं और हमारे माइंड में जितने भी नेगेटिव ब्लॉक्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा योगा करने से हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है और एंजाइटी है, ये सब धीरे धीरे कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाती है, इम्प्रूव होती है। योगा से हमारी मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है? योगा एक नेचुरल वे है सेरोटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन का। जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं उनका सेरोटोनिन लेवल बहुत ही कम होता है। योगा करने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन सेरोटोनिन रिलीज़ करता है जो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। योगा से और क्या होता है कि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल भी डिक्रीज़ होता है। जब हम योगा करते हैं तो इसका लेवल डिक्रीज़ होगा और हमारी जो हम ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हमारी हार्ट रेट है, वो सब कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस लेती है तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करती है और उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट है, हमारी हार्ट बीट है, हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन योगा से हमें इन सब चीज़ों से बहुत ही रिलीफ मिलता है। योगा में आप जब वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, लाफिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनसे आप इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका बहुत जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता है। अब योगा से क्या होता है, एक मेलाटोनिन हार्मोन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये आपका, इसको हम आपका स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे जो सोने और जागने का जो टाइम पीरियड है उसको निर्धारित करता है। जो हमारे ब्रेन में एक होती है पीनियल ग्लैंड, वो इसको रिलीज़ करती है। जब हम योगा करते हैं तो ये इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जो हमारी सोने और जागने की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बेटर होती जाती है। अब योग निंद्रा भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जिससे कि हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो योग निंद्रा है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। योग निंद्रा पर पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अब जो है योगा करने से क्या होता है, जब आपका ये सब स्लीपिंग हैबिट्स आपकी बेटर हो रही हैं तो जो स्लीप मेडिकेशंस हैं, कुछ लोग जैसे स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी तरह हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है और हमें हैप्पी रखता है। योगा से इसके भी बहुत ही ऑसम इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, आप अपने आप को कल्टीवेट करना शुरू हो जाते हैं, आप अपने प्रति नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, आपके जो अपने प्रति रिलेशंस हैं वो बेटर होने लग जाते हैं, आपके अंदर जो सेल्फ ट्रस्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपका साथ देना शुरू हो जाता है। आपके अंदर हेल्दी और बैलेंस्ड ईगो डेवलप होती है। इस तरह से जो है कि आप ज़्यादा अपने आप को करेजियस फील करते हैं, आपकी जो विल पावर है वो बढ़ रही है, आपका जो नॉन फियर और नॉन अफ्रेड की जो भावना है आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। योगा से जो है क्या होता है कि आपकी जो बॉडी अवेयरनेस है वो बढ़ने शुरू हो जाती है, आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है,
आपकी जो है मसल टेंशन है वो रिड्यूस होती है, आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन वो शार्पर होनी शुरू होते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बेटर हो रहा है, उसको पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपकी मिलके क्या कर रही हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हैं। तो इसी तरह जो है योगा में क्या होता है, प्राणायाम होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, इन सब टेक्निक से जो है आपकी ब्रीथिंग इम्प्रूव होती है, आपके अंदर जो है वाइटल कैपेसिटी आपकी बॉडी की वो इंक्रीज़ होती है। ये वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आप कितनी गहरी सांस लेते हैं और कितनी गहरी सांस छोड़ते हैं, यानी कि आप कितना अमाउंट आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इस अमाउंट से क्या होता है कि आपका जो लंग फंक्शन है वो बेटर होता है, आपकी जो लंग डिजीज़ हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, और आपकी हार्ट डिजीज़ और अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती हैं। तो ये आप इसमें जो है प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है, खासकर जो उज्जयी प्राणायाम है वो बहुत ही आपको बेनिफिट्स देता है। योगा से क्या होता है कि एक तो आजकल जो प्रॉब्लम है माइग्रेन की और हेडेक की, उसकी जो इंटेंसिटी है और जो पेन फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। हमारे ब्रेन में एक वेगस नर्व होती है जो कि स्टिमुलेट होती है, और जिससे क्या होता है जब हम योगा करते हैं तो जब इसका स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारे माइग्रेन को रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से जो है कि हम इन सब चीज़ों से जब हम योगा कर रहे हैं तो हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों बढ़ रही है, हमारा जो इन्फ्लेमेशन है और क्रोनिक इलनेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, वो उसका रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। योगा से हमारी हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी कम होता है और हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो बेटर होती है। हाउ टू मेंटेन योर हार्ट हेल्थ, ये एक मैं अपनी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों जो योगा करने से और क्या फ़ायदे हो रहे हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और हमारा जो माइंडफुल ईटिंग कॉन्सेप्ट है कि हमारा टेस्ट और हमारा कितना हमें खाना खाना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट को इंक्रीज़ करती हैं, इनक्रेज करती हैं, और हम जो हमारे इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगती हैं, हमारा बॉडी वेट मेंटेन होना शुरू हो जाता है, और जो डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है, इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगी कि योगा मीन्स एडिशन ऑफ एनर्जी स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टू योर बॉडी माइंड एंड सोल। थैंक यू।